हाय गाइज, मैं विनोद और आप देख रहे हैं टेक इक्विटी चैनल। सो गाइज, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप ओप्पो F21s Pro में पावर बटन टू एंड कॉल सेटिंग कैसे इनेबल करेंगे। सो गाइज, चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाइज आपको सेटिंग में आना है। सो गाइज, सेटिंग पे क्लिक करते हैं। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको थोड़ा सा नीचे आना है। यहाँ पे आपको सिस्टम सेटिंग्स पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको असेसिबिलिटी पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑप्शन मिल जाएगा प्रेस पावर बटन टू एंड कॉल्स का। सो गाइज, हमारा पावर बटन टू एंड कॉल सेटिंग, अगर आप इस सेटिंग को इनेबल कर देंगे और गाइस आपके फोन पे कोई भी कॉल आएगी या फिर आप किसी भी कॉल पे बात कर रहे हैं और अगर आपको उस कॉल को डायरेक्ट एंड करना है तो गाइस आप पावर बटन दबा देंगे तो आपकी वो कॉल डायरेक्ट एंड हो जाएगी, अगर आप इस सेटिंग को इनेबल कर देंगे तो। इस सेटिंग को इनेबल करने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और गाइस हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सो गाइस, मैं सेटिंग को इनेबल कर देता हूं। इस सेटिंग को इनेबल करने के बाद गाइस आपके फोन पे कोई भी कॉल आएगी या फिर आप किसी भी कॉल पे बात कर रहे हैं और अगर आपको उस कॉल को डायरेक्ट एंड करना है तो गाइस आप पावर बटन दबा के उस कॉल को डायरेक्ट एंड कर सकते हैं। सो गाइस, इस तरीके से आप पावर बटन टू एंड कॉल सेटिंग कर सकते हैं। और गाइस, आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और गाइस हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय टाटा, थैंक यू।